देखने को कितना सुंदर लग रहा है, देखो ओह माय गॉड व्यू। भैया तेजपुर वाले, गुवाहाटी वाले, बालीपुंग वाले बच गए हैं, डैम लीकेज है। भूल से ये डैम ब्रश होता है या कुछ भी होता है, टूटता है तो तेजपुर, बालीपुंग, टीपी, गुवाहाटी सब उड़ जाएगा। नमस्ते चाची दिल्ली, सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। गेस व्हाट, टुडे मैं कहाँ हूँ। इस जगह का नाम है, बताओ यार इस जगह का नाम क्या है। और आप कौन हो। मैं तुम्हारा दोस्त। नाम श्रिंग दोरजी। ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम बिचुम। एंड आज ये हमें घुमाने लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जाओगे। डैम। ये जो डैम है बहुत काफ़ी बड़ा है एंड आप सबको दिखाऊंगा। ये बिचुम है और ये जो जगह है हाल ही में बना है टूरिस्ट प्लेस, सो दिखाएंगे आपको। चलो देखो ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ये है बिचुम डैम जो वहाँ पे बना हुआ है, इतना बड़ा है ना, काफ़ी शानदार है। थोड़ा आगे जाके दिखाएगा आपको करीब से, ठीक है। हियर इज माय फ्रेंड। चलो ये देखो अभी कितना करीब में आ गए हम। ये जो डैम है इसका नाम है बिचुम डैम। रास्ता देखो भैया, रास्ता ये देखो किस जा रहा है। गॉडनेस ये रास्ता देखो, ये तो खतरा ड्राइवर है, समझे खतरा राइडर है तुम लोग। बहुत जल्द अभी टूरिस्ट प्लेस जब बन जाएगा तो यहाँ में ढेर सारा आपको नाव देखने को मिलेगा। ये हो गया अपर साइड, ठीक है। अभी लोअर साइड में जो है यहाँ का जो पानी स्टक हुआ है वो किस तरह से नीचे आता है वो देखेंगे, ठीक है। कहाँ से बोला। वैसे डैम का जो पानी फ्लो होता है ना, वहाँ जाने के लिए एक तो उस पार से इस पार से था, लेकिन फिलहाल क्या है दोनों साइड बंद है रास्ता, तो हम लोग अंदर से जाने के लिए कोशिश करेगा। और अंदर से जाने के लिए मुझे लीड करने वाले हैं मेरे दोस्त मिस्टर हैंडसम। देखो रास्ता नीचे पहुँचेगा। ओके, तो वो जो पानी बह रहा है वो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो जो नहीं मिलेगा उस साइड से जाना पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ से हम लाइट है, चलो जाके देखते हैं सुरंग के अंदर। ऑक्सीजन तो मिलेगा ना, भयंकर है। अरे जाने में तो मजा आ रहा है, जाने में मजा आ रहा है मजा। लेकिन पानी भी दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर श्योर ही ये उड़ जाएगा तो मतलब टीपी बालकों के ऊपर सब उड़ जाएगा। क्योंकि नीचे जाने से बहुत नीचे तक जा सकते हैं, फिर ऊपर आने में बैंड बचने वाला है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई व्यू नहीं दिखेगा पूरा, नीचे अंडरग्राउंड है पूरा, ठीक है। आई थॉट कि यहाँ से नीचे जाके मैं वो दिखा सकूँ आपको, जो पानी बह रहा है ना सुरंग से वो दिखा सकूँ। एनीवे मैं दूसरे साइड जाके कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग वहाँ से अंदर गया था डैम का, ठीक है, और जाके इस साइड निकल सकते हैं, उस पार से इस वार निकल सकते थे। हालांकि बहुत अंदर जाना था तो हम लोग गया नहीं, वापस रिटर्न आ गया, ठीक है, क्योंकि चढ़ना फिर ऊपर जाना इट्स यूजलेस राइट। यदि जो दिखाना है वो बाहर से दिखा सकते हैं, वाई नॉट। तो मैं बाहर से दिखाने से पहले एक इस साइड के नज़ारे दिखाता आपको। देखो कितना खूबसूरत है, राइट। वेलकम टू बिचुम and witness this wonderful dam. उम्मीद करते हैं जो यहाँ पे अभी लीकेज हो रहा है वो लोग बंद करने में सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज ये छोटा सा जो अभी लीकेज दिख रहा है कल को ये बहुत बड़ा डिजास्टर का कारण बन सकते हैं, यानी तबाही का कारण बन सकते हैं, क्योंकि हम इतना भयंकर पानी को स्टॉक करके रखा है। जब हम लोग यहाँ था ना ये पानी तो दिखता ही नहीं था, मतलब इतना कम था। अभी इतना स्टॉक किया ना लगभग 7-8 साल से कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर हो रखा है। भूल से ये डैम ब्रश होता है या कुछ भी होता है, टूटता है तो तेजपुर, बालीपुंग, टीपी, गुवाहाटी सब उड़ जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये जिसने भी बनाया है रिस्पॉन्सिबल लेता है और इस चीज़ को नज़र रखता है ना, इसको एंजेंस जल्द ठीक कराएगा, अदरवाइज इट्स डेंजर। हाँ सो गाइस कैसे लगा ये ब्लॉग, उम्मीद करता अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ बाय।